गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम काउंटिंग फिगर के अगले क्वेश्चन आर में आगे देखेंगे और आगे और क्या क्या निकालने के लिए उस तरीके का इमेज दे सकता है, उससे आज हम लोग उसका इमेज निकालेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? आइए देखते हैं। अब इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने बंद आयताकार बॉक्स हैं। क्या पूछा है इन्होंने? आयताकार बॉक्स पूछा है। क्या पूछा है जी? आयताकार बॉक्स। क्या पूछा है? आयताकार बॉक्स पूछा है। तो इसमें आयत कहने का मतलब कि आयत निकालने के लिए पूछा है। अब आइए आयत निकालते हैं। देखिएगा, पहले तो हम एक एक करके गिनते हैं। देखिए, पहले एक ए आयत बनाएगा बनाएगा ना जी। तो एक तो ये हो गया, दूसरा देखिए ये बनाएगा, दो हो गया। आगे चलिए, ए बनाएगा, तीन हो गया। अब ये देखिए, ए बनाएगा बनाएगा ना, कितने हो गए? एक ये बनाएगा, कितने हो गए? ए बनाएगा बनाएगा ना, और बताइए कहाँ बनाएगा? छह बनाया ना, और बताइए, छह हुआ ना जी। और देखिए कहाँ पे बनाएगा? एक देखिए आपका कहाँ बनाएगा? इसको काउंट किए आप, एक ए भी बनाएगा, बनाया ना, कितने हो गए? सात हो गया। एक और दिखा रहे, एक और कहाँ बनाएगा? एक ए भी बनाएगा तो बनाएगा ना जी, कितने हो गए? आठ। इसमें आयतों की संख्या कितना हो गया? क्या लगाएंगे आंसर? ठीक है, आगे चलिए। अब देखिए इन्होंने पूछा निम्न में से कितने आयत हैं। अब इसमें बताइए कितने हैं, तो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला देखिए, पहला तो एक ए बनाएगा, एक हो गया, एक दो हो गया, एक ए बनाएगा, दो हुआ ना जी। एक इसका बड़ा वाला बनाएगा, देखिए बना रहा है ना, बनाया, तीन हो गया। समझ रहा है ये? अरे भाई, ये कैसे बना रहा है, किसके ज्वाइंट से बना रहा है? यहाँ पे तो एक तीसरा भी तो बनाएगा, बनाएगा ना। कोई दिक्कत है? तो कितने बनाया अभी तक? तीन बना चुका है। वो कितना बनाया? तीन। आगे देखिए, एक ए बनाएगा, चार ए बनाएगा, ए बनाएगा, एक बनाएगा, ए बनाएगा, कितने बना चुके हैं अभी तक? आठ बना चुके हैं। अब देखिए और कहाँ कहाँ बनाएगा। पहले देखिए आप एक एक करके देखते चलिए। देखिए ए बना रहा है आया, एक और काउंट कीजिए, बना दिया ना जी। अब एक देखिए, एक ए भी बनाएगा, बना रहा है, एक और काउंट कीजिए, और बताइए, इसको काउंट किए, इसको काउंट किए, इसको आप काउंट किए, ये भी बनाएगा, कितने हो गए? और देखिए और कहाँ कहाँ बनाएगा। देखिए देखिए ध्यान से, हुआ कहाँ बनाएंगे नहीं? देखिए एक त्रिभुज आपका ये भी तो बनाएगा, यहां से बनाया ना जी, एक त्रिभुज आप, अरे एक सॉरी आयत यहां से भी तो बनाएगा, बना रहा है ना। एक और काउंट कीजिए। अब देखिए एक यहां से भी बनाएगा, बनाएगा, एक यहां से भी बनाएगा, बना रहा है ना, कितने हो गए? आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। अभी और बनाएगा जी,
आठ दो दस दो बारह दो चौदह हुआ ना, और देखिए कहाँ कहाँ बनाएगा। तो आप देखिए, हाँ इस सेगमेंट और इस सेगमेंट को मिला के एक बनाया था, इसको काउंट किए थे आप? नहीं किए थे, इसको तो अलग अलग किए थे ना। तो देखिए इसको भी आओ, इसको काउंट कीजिए, कर दिए, कितना हो गए? 15। एक और इमेज कहीं छूट रहा है बताइए, एक कहाँ छूट रहा है? ये वाला, ये तो काउंट कर चुके हैं ना। हाँ एक इमेज और कहीं बनाएगा बताइए, कहाँ बनाएगा? देखिए इसको फिर से बनाते हैं आप लोग, ठीक है? पहले आप इसमें नंबर बैठा लीजिए, क्या कर लीजिए? नंबर बैठाइए। देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात, एक तो ये सात नंबर में, सात तो ऐसे हो गया, सात तो आया था, ऐसे बनाएंगे बनाएंगे ना। अब एक एक और दो के मिलने से बनाएगा, बनाया एक ऐड कर लिए, किए आठ हो गया। अब देखिए यहां पे एक बनाएगा चार और पांच के मिलने से, बनाया ना एक बनाएगा आपका तीन और एक पूरा मिलने से बनाएगा, इस तरीके से बनाएगा ना। हाँ अब आगे बताइए, और इसमें कोई बनाएगा आयत? ऊपर में तो चलेंगे, इसमें बताइए पहले बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो आप एक दो ले लिए थे ना, तो एक ये बनाएगा, ठीक है? अब यहां से एक ये बनाएगा, अब एक बड़ा वाला बनाएगा, बड़ा है ना, अब एक यहां से बड़ा वाला बनाएगा, अब एक यहां से ये बनाएगा, अब एक ये वाला बनाएगा, ठीक है? काउंट कीजिए कितने हो गए, सात एक आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, आयत कितने बनाएंगे इसमें? 16 बनाएगा, ठीक है? ये आपको काउंट करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है? आगे चलिए, अभी ने पूछा है कि इस निम्नलिखित में दी गई आकृति में कितने वर्ग, वर्गों की संख्या बताइए, कैसे निकालेंगे? वर्ग की संख्या निकालने के लिए कैसे बताए थे? नंबर को पहले बैठाइए, ट्रिक बताया था ना आप, अगर इस इमेज को हम हटा दें, इस इमेज को आप भूल जाइए, क्या कर दीजिए? भूल जाइए, हम इतना इमेज को अभी डिनोट करते हैं, कितने को? मान लीजिए हम इतना ही पहले ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं? ये वाला सेक्शन ले रहे हैं, ये वाला सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है? इसमें लाइट नहीं दिख रहा है क्या जी? हाईलाइट कर रहे हैं तो रेड से करते हैं, हम ये वाला सेक्शन आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है? आप पहले इस सेक्शन को देखिए, हमको बता सकते हैं इस सेक्शन में हमारा वर्ग की संख्या कितना आएगा? नंबर को रखिए, एक दो तीन चार, दो तीन चार, क्या बताए थे? क्रॉस मल्टी गुना करते चलिए, इस तरीके से बताइए, चार गुने चार पहले करेंगे कितना होगा? 16। तीस के बाद तीन गुने तीन करेंगे 9, दो गुने दो करेंगे 4, एक गुने एक करेंगे 1, बताइए इसमें कितने वर्ग हो गए? बताइए 16 4 20 और 9 29 और 1 30 हो गए, यानी इतना सेगमेंट में हमारा वर्गों की संख्या कितना हो गया? 30 हो गया। आपको एक ए वर्ग दिख रहा है, एक वर्ग ए दिख रहा है, एक आपको ए साइड से दिख रहा है, चार और बढ़ गए, कितने वर्ग हो गए? क्या लगाएंगे आंसर? कोई दिक्कत है? ट्रिक तो पता है ना पहले से? हाँ आगे चलिए,
अब इसमें बताइए कितने आयत हैं, बताइए कितने आयत हैं, बताइए। देखिए काउंट करते चलते हैं, ठीक है। एक, दो, ये बनाएगा तीन, चार, पांच, छह, सात, तो आपको ऐसे ही दिख गया ना। तो सात पहले आप इसको लिख लीजिए, इस सात पहले तो दिख गया, अब इसको इरेज कीजिए। आप हमें ये बताइए कि सात तो ऐसे दिखा दिया आपको, इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट से एक बनेगा, एक ऐड कर दीजिए, ठीक है क्या? यहां से यहां तो काउंट कर चुके हो भाई, ए लाइन यहां से, हाँ इसको तो तुम काउंट कर चुके हो, नीचे से यहां से, यहां से ना, यहां से तो तुम काउंट कर चुके इसको ना जी। देखो इधर जबरदस्ती काउंट नहीं करना इसमें, देखो यार एक तो इसको ले लिया तुम, एक किसको ले लिया, दो ले लिया, और एक इसी का तो बनेगा, तीन ही तो बनेगा यहां से, तो उसमें तो तुम एक तो काउंट कर चुका था ना, एक ही एक्स्ट्रा लोगे इसमें, समझ पाया? चलो हाँ हाँ, पहले से उसमें काउंट कर चुके हैं हम, तो सात तो ऐसे बना दिया आया, अब हम एक इसको लिए, ये बना हमारा आया, एक काउंट कर लिए। आगे देखो, क्या इसको लिए थे हम लोग? नहीं लिए थे, एक और ले लो, ले लिए, ठीक है। अबे बताओ इसको लेंगे, एक और हो गया, यहां से भी एक लेंगे, एक और हो गया, ठीक है। अब हमें ये बताना, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से समझो, अब हमें ये बताओ इस सेगमेंट को, इस लाइन वाले को देखो, ठीक है, किसको देखना है? इस लाइन को देखो, इस लाइन से भी तो त्रिभुज आयत बनेंगे, इसको काउंट किए थे? नहीं। अब इस सेगमेंट से देखो, इससे भी ये काउंट होगा, बना यहां से बन गया ना जी, हाँ समझ आ रहा है ना। अब आगे देखो, अब इस लाइन और इस लाइन से देखो, इस लाइन से देखो, यहां से बनेगा, एक बन गया, यहां से देखो ये बनाएगा, बन गया, हाँ बगल वाला तो ले चुके है भाई, यहां से तो तुम ले चुके हो इसको एक पहले ही, अब यहां से नहीं बनेगा। अब इस लाइन को देखो, एक बड़ा वाला ले लो, बनेगा, काउंट करो, सात एक आठ, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ठीक है। अभी और दो बनेगा, अब दो कहां बनेगा देखो, छूट रहा है कहीं पे, दो बताओ, दो कहां बनेगा? एक बड़ा वाला ले लिए, सात एक आठ, दो नौ, सात एक आठ, दो दस, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह हुआ ना जी। और देखो और कहीं से बनेगा क्या? इस वाले को ले चुके थे ना हम लोग, ले चुके थे, दो छूट रहे, चलो फिर से देखते हैं। कहां पे छोड़ दिया देखो, चलो पहले देखो, एक दो, एक यहां बनेगा, तीन एक चार पांच छह और एक सात, तो ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत है यहां तक? सात तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको एक लिए, बताओ कितने हो गए? आठ हो गए। अब देखो एक एक सेगमेंट को चेंज करते चलो, पहले इसको लो, तुम काउंट करते चलो, आठ के बाद एक ये बना, कितना हो गया? नाइन, ए बनेगा,
कितना हो गया 10 हो गया। अब इससे कहीं नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस लाइन को तुम लो, कितना हो रहा है अभी 10 ना, हाँ 10। अब इस लाइन को लो, बताओ 11 हो गया, हाँ बनेगा ना 11। इस लाइन से लो 12 हो गया, हाँ अब इस लाइन से लो 13 हुआ, इस लाइन से लो 14 हुआ, कोई दिक्कत है। अब ए लाइन ले लिए, ले लिए 14 के बाद तुम लो यहां से हाँ इस लाइन को लो, ये 15 हुआ, इस लाइन को लो 16 हुआ, एक यहां से और बनाएगा 17 हुआ, और एक बड़ा वाला इमेज सबसे बड़ा बनाएगा 18, इसका आयत की संख्या इसमें 18 होगा, ठीक है। आगे चलो, अब इसमें बताओ कि कितने वर्ग हैं, इसमें बताओ कि कितने वर्ग हैं, क्या करोगे इसमें वर्ग निकालने के लिए, हाँ कैसे 30 होगा, नंबर बैठा दो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, क्या करेंगे क्रॉस मल्टी गुणाज करेंगे, क्या होगा 5 × 5 25, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4, ठीक है, 1 × 1 क्या होगा 1 होगा। अब इसको काउंट कर लो 16 × 4 = 20 और 29 + 31 = 25, कितना हो जाएंगे 55। इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, कोई दिक्कत है, यहां तक समझ आ रहा है। आगे चलो, इसमें बताओ दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयत के लिए क्या ट्रिक लगाओगे बताओ, क्या ट्रिक लगाओगे आयत के लिए, नंबर डालो 1 2 3 2 3। अब क्या करते हैं उसमें वर्ग में करते हैं, इसमें नंबर को पहले जोड़ते हैं 1 2 3 3 2 5 1 6 हो गया, यहां भी क्या हो गया 6 हो गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें आयत की संख्या कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, समझ आ रहा है। आगे चलो, बता इन दी गई आकृति में कितने आयत हैं, बताओ बताओ कितने आयत हैं, नंबर को रखो 1 2 3 4 2 3 4, काउंट करो इसको पहले जोड़ो 4 3 7 2 9 1, क्या बनाएगा 10, इधर क्या बनाएगा, क्या करोगे इसको दोनों को, यानी इसमें आयत की संख्या क्या हो जाएगा, क्या लगाओगे 100 लगाओगे। आगे चलो, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, बताओ कितने आयत होंगे इसमें, इसमें भी उसी तरीके से नंबर बैठा के काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जितने नंबर यहां से ऐसे करके इस तरीके से बना लोगे, जितने काउंट होंगे ये सारो जोड़ते जाओगे, तुम्हारा काउंट हो जाएगा, कॉपी में कर लोगे आसानी से इमेज बनाकर। ये भी उसी तरीके का आयत है, इसमें भी नंबर पहले बैठा लोगे इस तरीके से, ठीक है, और जितना बनाएगा लाइन को सेगमेंट को लेकर बना लोगे, ठीक है। आगे चलो, इसमें बता इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा, हाँ बताओ इसमें वर्ग कितने बनाएंगे, तुम हमें ये बताओ कि हम इमेज को देखो किस तरीके से हटा रहे हैं, मान लो हम इतने सेगमेंट को लेते हैं, कितने को ले रहे हैं, ये वाले सेगमेंट को केवल ले रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इसमें बताओ इसमें वर्ग की संख्या क्या बनाएगा, लेकिन वहां 1 2 3 4 हो जाएगा ना, यहाँ 1 2 3 है, एक काम करो हाँ 3 लो केवल, तुम 3 का सेगमेंट के साथ लो, इतने का बनाओ पहले, इतने में कितने आएंगे, इसमें वर्ग की संख्या बता सकते हो ना 1 2 3 1 2 3 3
3 3 9 और क्या हो जाएगा 2 2 4 और 1 कितना बन गया 9 4 13 14 तो बना दिया ना यहाँ से 14 इमेज यहां से बनेंगे 14 वर्ग। अब हमारा एक क्या बना, ये बना। अब इसके लिए अलग से रखो 1 2 1 2 सॉरी नहीं नहीं यहां से 3 बनाएगा ना जी, रुको यार, यहाँ पे तुम्हारा 3 सेगमेंट हो गए ना। तो तुम एक काम करो, इसमें 14 इमेज हो गए, देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको समझो। देखो यहां तक तो हमारा 14 हो गया, तो काउंट कर चुके हम लोग, ठीक है। अब देखो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, दो और एक ये बनाएगा, 3 हो गया, 14 + 3, ठीक है। और ऊपर में जोड़ लो 1 2 3 4 5 6, 6 यहां हो गए, कितना आ गया 14 3 17 6 कितना आ गया जी, और 6 17 23 हो गया, 23 इमेज यहां तक अभी बना चुका है हमारा। अब देखो वर्ग कहां कहां बनाएगा, इस डायग्राम को देखो, बताओ ए वर्ग बनाएगा इसी तरीके से, ए वर्ग बनाएगा, दो वर्ग बना दिया ना जी, हाँ। अब और देखो यहां से इसको ले लिया, यहां से इसको ले लिया ना, अब इस लाइन को पकड़ो, वो इमेज के फॉर्मेशन के मदद से यहां भी तो वर्ग बनाएगा, वो एक यहां भी बनाएगा, कितने हो गए, दो और जोड़ दो। अब इस लाइन को देखो, इसके मदद से यहां पे भी एक वर्ग बनाएगा, और इस लाइन को देखो, इसके मदद से यहां पे भी वर्ग बनाएगा, कितने हो गए 23 2 25 2 27 28 29, ठीक है। अब ये देखो 29 हुआ ना जी, अब देखो क्या कहां और बनाएगा, एक इसके चलते एक बड़ा इमेज बनाएगा, पूरा बनाएगा ना, बनाएगा ना जी, 30 हो गया। अब इसके चलते एक देखो एक बड़ा इमेज यहां भी बनाएगा, 31 हो गया, और और एक ये पूरा सेगमेंट को लोगे ना तो भी बनाएगा एक पूरा इमेज, 32 इमेज इसमें बनाएंगे, वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा 32 होगा, ठीक है। आगे चलो, इसमें बताओ इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करें, बहुत टफ चैप्टर है, बताओ जल्दी। देखो इधर पहले तो ये बताओ कि इसमें वर्ग कितने बनाएंगे, और एक बाहर वाला, यानी एक सेगमेंट से 5 बना रहे हैं, इस तरीके का कितना सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 से गुना कर दो, कितने वर्ग बनाएंगे, 30 इमेज बनाएंगे। आसान था ना, देखने में कितना टफ लग रहा है लेकिन ये आसान था। देखो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे तुम इसमें नंबर बैठा दो 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला बनाएगा, जब एक सेगमेंट से वो 5 बना रहा तो 6 सेगमेंट से कितना बनाएगा, 30 बनाएगा। आगे चलो, इसमें बताओ वर्गों की संख्या ज्ञात करो, बताओ। कहीं कहीं हर एक जगह जहां पे लाइन हॉरिजॉन्टल और जहां पे लाइन पैरेलल हो वहीं पे नंबर रख के बैठा सकते हो, नहीं तो बाकी जगह काउंट करना पड़ेगा तुमको। नहीं, यहाँ पे अगर इसके लाइन के पैरेलल जिस तरीके का हॉरिजॉन्टल जितना बड़ा उतना लंबा बॉक्सेस अगर उसका रहता बराबर रहता तो ही नंबर लाइन काम करता है, तो ही नंबर डिजिट काम करता है। चलो इधर देखो, काउंट करते हैं, पहले तो ये काउंट करके देख पा रहे हो 4 5 6 7 8, 8 तो ऐसे बनाया ना, अब एक ले लो 9 10, एक बड़ा वाला 11, ठीक है। कौन सा, अब यहां सब बता रहे हैं, 11 तो बना दिया ना ऐसे,
ग्यारह तो देख पा रहे हो, नौ अर्ग। ग्यारह बनाया ना, अब आगे देखो। चलो ये बताओ, यहां से एक बनाएगा, देख पा रहे हो, एक ही बनाया बारह, एक ही बनाया तेरह, एक ही बनाएगा चौदह, बनाया ना, और कहीं बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। देख लो कहीं पे बनाएगा वर्ग, और एक हमारा ये बनाया, एक हमारा ये बनाया, एक हमारा ये बनाया, तीन और ग्यारह से पहले था, ग्यारह तीन क्या लगाएंगे, कोई दिक्कत है? आगे चलो। हाँ इसमें बताओ कितने वर्ग हैं, बताओ बताओ कितने वर्ग हैं? देखो पहला एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, तो ऐसे बनाएंगे, बना दिया ना, हाँ कोई दिक्कत है? अब चलो अब आगे दिखाते हैं कहाँ बनाएगा वो। छह तो काउंट कर चुका है तुम, देखो एक ये बनाएगा सात, एक ये बनाएगा आठ, एक और बना रहा है, बता सकते हो कहां पे? आठ हो गया, एक और बताओ कहां बनाएगा? नहीं ना, वो तो आयत है, एक देखो यहां पे बनाएगा, बना रहा ना जी, तो आठ और एक कितने हो गए, क्या आंसर लगाएंगे, कोई दिक्कत है? किसी तरीके से वर्ग बनना चाहिए, वो कहीं पे भी वर्ग बना देगा वो, तो वर्ग बन रहा है ना, बिल्कुल वर्ग बन रहा है वो। आगे चलो, इसमें बताओ वर्गों की संख्या ज्ञात करें, बताओ, ये तो आसान है, तुम बता सकते हो इसको, बताओ। हाँ नंबर बैठा लो, वन टू थ्री फोर, टू थ्री फोर, गुना करते जाओ, क्या बनेगा? चार चार सोलह, सोलह चार बीस, और तीन उनतीस और इकतीस, इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा? तीस होगा। अब देखो कहाँ कहाँ बनाते हैं, चौतीस कैसे होगा? एक यहां बनाएगा, एक यहां बनाएगा, एक यहां बनाएगा, एक यहां बनाएगा, तो तीस और चार कितने हो गए? चौतीस। अभी और बना रहा है बाहर से, एक बना रहा है, एक दो तीन चार, चौतीस और चार कितना हो जाएंगे, क्या लगाओगे, समझ आ रहा है? आगे चलो, इसमें बताओ सम चतुर्भुज मुझे ना, तो इसमें भी आपको वर्ग ही निकालना है, नहीं जी, सम चतुर्भुज में आयत की संख्या निकालते हैं, ठीक है, जब सम चतुर्भुज पूछे ना तो उसमें तुम आयत की संख्या निकाल दो, क्या निकाल दो, आयत की संख्या, ठीक है, क्या रखोगे, एक दो तीन दो, इसको जोड़ो क्या बनाएगा, तीन, इधर क्या बनाएगा, छह, क्या करोगे, गुना कर दो, कितने सम चतुर्भुज बनाएंगे, अठारह, क्या लिखोगे, अठारह, कोई दिक्कत है, समझ आया यहां तक? चलो आज के लिए इतना ही रहने देते, अगला दिन हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डायरेक्शन या फिर किसी और एक चैप्टर को नया स्टार्ट करेंगे, और उसमें क्वेश्चन के तौर पे करा के दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं, ठीक है।